हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन इन सीक्रेट लॉजिक। और आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना विंटर डे एंड नाइट स्किन केयर रूटीन। अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूँगी, अदरवाइज ये एक ही पार्ट में ये वीडियो रहेगी। तो यू नो, विंटर्स में अगर हम स्किन का ध्यान नहीं रखते तो हमें पिम्पल्स जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। हालांकि इट्स वेरी टफ टास्क कि विंटर में हम अपनी स्किन को कैसे जो है मेंटेन रखें, हाइड्रेट रखें, क्योंकि हम पानी भी कम पीते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं लेकिन हम विंटर्स में नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इफ़ यू वांट टू अ ग्लोई स्किन और आपकी स्किन पे कोई पिंपल्स के मार्क्स ना हो और आप हेल्दी ग्लोइंग स्किन रहे आपके विंटर में भी, तो इसके लिए आपको कुछ टिप्स फॉलो करने चाहिए। जैसा कि पानी आपको ज़रूर से ज़रूर पीना चाहिए, सीजनली फ्रूट्स ज़रूर लेने चाहिए और नारियल पानी ज़रूर पीना चाहिए। इन सब के अलावा स्किन के लिए मैं क्या करती हूँ, सिर्फ एक नॉर्मल स्किन केयर रूटीन है। बहुत ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं करती बिकॉज मॉर्निंग टाइम में मैं बहुत जल्दबाजी होती है, बाहर जाना होता है। तो बहुत सिंपल सा डे रूटीन है मेरा, सिर्फ थोड़ा जो स्किन के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैं फेस पे अप्लाई करती हूँ, नथिंग एल्स। सो गाइस, चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइज, मॉर्निंग टाइम में मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है तो मैं सिंपल एक फेस वॉश से ही अपना फेस क्लीन कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे हिमालय का नीम प्यूरिफाई फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ बिकॉज विंटर्स में जो है ये फेस वॉश आपके स्किन को एक्ने और पिंपल से दूर रखने में काफ़ी हेल्पफुल होता है इसलिए। और फेस वॉश को एकदम लिटिल अमाउंट में लेकर के इस तरीके से आपको अपने फेस पर मसाज करना है, सिर्फ 5 से 7 मिनट। इससे ज़्यादा आपको अपने स्किन पर मसाज नहीं करनी चाहिए। और इसके बाद मैं फेस को वाटर से धुल लूंगी। और मैं फेस क्लीन हो गया। और हाँ, विंटर्स में मैं हर तीसरे दिन पे एक बार स्किन को एक्सफोलिएट जरूर कर लेती हूँ बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी स्किन। यू हैव टू एक्सफोलिएट योर स्किन प्रॉपर टाइम टू टाइम। सो मैं 3 से 4 दिन में एक बार ज़रूर जो एक्सफोलिएट कर लेती हूँ। और मैं यहाँ हिमालय का ही नीम स्क्रब यूज़ करती हूँ क्योंकि है इसमें नीम की प्रॉपर्टीज़ है जो कि एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, तो मेरी स्किन को एक्ने और पिंपल से दूर रखने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। क्योंकि विंटर्स में हम बहुत ज़्यादा स्किन की केयर नहीं कर पाते हैं जिस वजह से हमें एक्ने या पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। सो गाइज, स्किन को प्रॉपर एक्सफोलिएट करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इससे आपके पोर्स जो है वो कम्प्लीटली क्लीन हो जाते हैं। और अब मेरा स्टार्ट होता है स्किन केयर रूटीन। तो सबसे पहले मैं रोज़ टोनर यानी कि रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ एज अ टोनर। एंड इट्स नॉट नेसेसरी, समटाइम मैं गीले फेस पे ही जो एलोवेरा जेल से मसाज कर लेती हूँ और समटाइम्स रोज़ वाटर अप्लाई करने के बाद मैं इस तरीके से एलोवेरा जेल से 5 से 7 मिनट तक मसाज करती हूँ बिकॉज इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन। यह आपके स्किन को हेल्दी रखने में, साथ ही स्किन के जो भी मार्क्स वगैरह ना उनको रिमूव करने में काफ़ी इफेक्टिव होता है। 5 मिनट के वेट के बाद मैं अप्लाई करती हूँ मेरा सीरम। मैं यहाँ जॉवीज का सीरम यूज़ कर रही हूँ। अगर आपकी एज 25+ है देन यू हैव टू अप्लाई अ सीरम ऑन रेगुलर बेसिस। तो मैं यहाँ एंटी एजिंग सीरम यूज़ कर रही हूँ बिकॉज इसमें बहुत सारी जो है गुड प्रॉपर्टीज़ हैं। और इसके अलावा एक वाइटनिंग सीरम भी आता है, तो आप अगर 25 के कम एज के हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। फिर 5 मिनट मैं वेट करती हूँ, तब तक मैं कोई और काम कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं अप्लाई कर लेती हूँ मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन मिक्स। ये मेरा जॉवीज का जो क्रीम है, ये वाली क्रीम मैं अप्लाई करती हूँ। आप कोई भी क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन एक ही क्रीम में अवेलेबल रहता है तो वो मेरे लिए ज़्यादा गुड रहता है क्योंकि 10 तरह की चीज़ें मॉर्निंग में नहीं अप्लाई हो पाती हैं। इसके बाद मैं जो है लिप बाम अप्लाई कर लेती हूँ। और लिप बाम भी जो मैं SPF वाला यूज़ करती हूँ, मैं यहाँ जॉय का यूज़ कर रही हूँ। तो आपको लिप्स की केयर करने के लिए भी SPF वाला जो है लिप बाम यूज़ करना चाहिए मॉर्निंग टाइम में। और ये मेरा मॉर्निंग टाइम कंप्लीट हो गया। सो गाइज, नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में मैं अपना ये हर्बल DIY फेस वॉश यूज़ करती हूँ। इसके लिए मैंने लिया मसूर की दाल और इसको मैंने ग्राइंडर में पीस लिया है। तो मसूर की दाल में जो है ये आपकी स्किन को निखारने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है क्योंकि मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाई, तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो मैं इसको स्टोर करती हूँ एक डिब्बे में, एयर टाइट डिब्बे में। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 छोटी चम्मच हल्दी, 1 बड़े चम्मच बेसन और 2 चम्मच मसूर की दाल के पाउडर। अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप चने की दाल को पीस करके बेसन आराम से बना सकती हैं।
तो बेसन और मसूर की दाल दोनों ही आपकी स्किन को क्लीन करने में, हेल्दी रखने में, साथ ही साथ कॉम्प्लेक्शन निखारने में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। इस तरीके से देखिए मैंने इतना सारा यूज़ कर लिया है। मैं अलग डिब्बे में जो है मसूर के पाउडर को इकट्ठा करके रख लेती हूँ और मुझे जब भी ज़रूरत होती है मैं बना लेती हूँ। तो इतनी लिटिल सा अमाउंट में लेना है आपको और 2 से 3 बूंदे पानी की मिलानी है, हाथों पे अच्छी तरीके से मसाज करना है और अपनी स्किन को 5 से 7 मिनट तक प्रॉपरली इस तरीके से फेस को, मेरा ये जो DIY हर्बल फेस वॉश है इसमें अपने फेस को क्लीन कर लेती हूँ। तो आपको पूरे दिन भर में एक बार तो ज़रूर जो है घर की चीज़ों से एक बार फेस को क्लीन कर लेना चाहिए, क्योंकि विंटर में हम कोई ज़्यादा फेस मास्क वगैरह नहीं अप्लाई कर पाते हैं, तो एटलीस्ट फेस वॉश तो कर ही सकते हैं। तो बहुत ही इजी सा, सिंपल सा मेरा ये ऑनेस्ट, जो कि आई थिंक हर कोई फॉलो कर सकता है, ये वाला स्किन केयर रूटीन है मेरा। तो इस तरीके से अगर आप स्किन रूटीन फॉलो करेंगे तो आप कई हद तक एक्ने और पिंपल की प्रॉब्लम से अपने आप को बचा पाएंगे। तो इस तरीके से मैंने फेस को क्लीन कर लिया है और क्लीन करने के बाद मेरा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले मैं टोनर अप्लाई करती हूँ एज अ रोज वाटर, माय फेवरेट टोनर, और उसके बाद मैं सीरम अप्लाई करती हूँ, जॉवीज का एंटी एजिंग सीरम। और सीरम आपको डे और नाइट दोनों ही टाइम अप्लाई करना चाहिए। आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग कोई भी प्रोडक्ट चूज़ करिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो जेल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करिए, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप जो है वो क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करिए। अब 5 मिनट रुक जाऊंगी और 5 मिनट रुकने के बाद मैं अप्लाई करूंगी मॉइस्चराइजिंग के लिए ये जॉवीज का ब्राइडल फेस क्रीम, जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, साथ ही साथ नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। तो मैं आजकल एज ए नाइट क्रीम इसे ही यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा है, हर्बल प्रोडक्ट है और मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है। और इस बिल्कुल ही नेचुरल इसमें जो प्रोडक्ट मिलाया गया ना बहुत ही अच्छे इफ़ेक्टिव है और मुझे इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद मैं एलोवेरा जेल की हेल्प से अपने रिंग फिंगर में हल्का से लेकर के आँखों के नीचे अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि दिन भर हमारी आँखें इतना कुछ करती हैं तो थोड़ा सा हमें आँखों के लिए भी करना चाहिए। और इसके बाद मैं वैसलीन अपने लिप्स पर अप्लाई कर लेती हूँ, और इस तरीके से मेरा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन विंटर में हो जाता है कंप्लीट। आई थिंक 10 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगता। तो इस तरीके से आप अपने स्किन रूटीन को फॉलो करके पिंपल और एक्ने की प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकते हैं। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइज, इस तरीके से है कुछ मेरा विंटर में स्किन केयर रूटीन फॉर अ डे एंड फॉर अ नाइट। बहुत ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रख के आप अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं और आप अपने स्किन पे जो है पिंपल्स को आने से रोक सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सबके लिए यूजफुल रहेगी। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। बाय।